हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई और आज हम लोग जा रहे हैं बाबा की नगरी देवघर। अभी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं बाबा की नगरी के लिए, और अभी जो ब्लॉग है हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना घर से। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। तो अभी मैं हूँ माता रानी के मंदिर पे, अपना माँ शीतला का मंदिर पे, और वहीं से अपना ब्लॉग वो स्टार्ट करने वाले हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेके हम लोग बाबा के पास जाएंगे। तो और आप लोग देख सकते हो हम लोग का जो बस है वो आ चुकी है, और अभी हम लोग चढ़ेंगे। सब कोई रेडी होके आ चुका है और चढ़ेंगे और बाबा की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी पहले सुल्तानगंज जाएंगे, उसके बाद हम लोग पैदल बाबा की नगरी के लिए आएंगे। तो चलिए बस में चढ़ के देखते हैं कौन कौन है। आप लोग देख सकते हो सब कोई अपना अपना जो सीट है वो ले चुका है, और बस भी चलने लगी है। अभी हम लोग जाएंगे, लगातार बस चलने के बाद हम लोग रात का डिनर कहीं पर करेंगे। फाइनली हम लोग 3 बजे से लगातार सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज में। आप लोग एक बार देख सकते हो कितना भीड़ है। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और आप लोग भीड़ देख सकते हो सुल्तानगंज का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिब्बा लिया जा रहा है, दो दो करके डिब्बा लिया जाएगा जिसमें हम लोग जल भरेंगे। उनमें से एक बाबा बैद्यनाथ और एक बाबा बासुकीनाथ के लिए लिया जाएगा। तो चलिए अभी गंगा घाट पे चलते हैं और नहा धो के फिर बाबा की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सुल्तानगंज में हम लोग नहाने के बाद जल अपने कंधा में लेके बाबा की नगरी के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो हम लोग का जो टीम मेंबर सब है यहीं पर है। आज मैं कुछ पूछना चाहूँगा, आज 2 साल जो कोरोना परिस्थिति को हम लोग पार कर रहे हैं, उसके बाद 2 साल बाद हम लोग आज बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लग तो ऐसा रहा है कि जो हुजूम पहले था वही हुजूम वापस आ गया है, और सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे जितना भक्त है, जितना जहाँ जहाँ से भी है, जो भी स्टेट्स है, सब लोग इधर आ चुके हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है सब यहाँ पे गंगा के सामने आ गया है, नहा के गंगा जल ले के बाबा के और अग्रसर हो रहा है। और आपको क्या लगता है कोरोना परिस्थिति के बाद जो यहाँ सिस्टम का सुधार हुआ है कि नहीं? सुधार तो इतना हुआ है कि जहाँ पे घाट नहीं था गंगा घाट, अब आज के डेट में वहाँ पे गंगा घाट बन गया है। पहले हम लोगों को डर लगता था कि थोड़ा दूर जाएंगे तो शायद बहा के लेके चला जाए, लेकिन अभी का सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ का जो घाट का जो अभी डेकोरेशन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है या निर्माण हुआ है, जो भी है, सब बहुत जबरदस्त है, अच्छा लगा। अब बाबा के लिए जल चढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे। धन्यवाद। अरे बोल, बम का नारा है बाबा एक सहारा है, हमारा नेता कैसा हो? बोले ना हो, कैसा हो? बोले ना जैसा हो। बोल बम, बोल बम, बोल कमरिया, बोल बम, बोल कमरिया, बोल बम। हम लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ही ज्यादा है। आज सोमवार है, आज हम लोग जल लेके बाबा नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 4 बजे हम लोग जल उठाए हैं सुल्तानगंज से, और हालत देख रहे हैं
चार बजे से लगातार कॉन्टिन्यूसली चलते हुए हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पार कर चुके हैं और यहाँ से और 5 किलोमीटर हम लोग जाएंगे। हम लोग अभी असरगंज पहुँच चुके हैं, जो कि हम लोग जल भरे थे लगभग 4 बजे और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। कुछ साथी मेरा पीछे में है और सब एकजुटता हम लोग हो रहे हैं। होने के बाद हम लोग यहाँ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ के बाद प्रस्थान करेंगे। हम लोग मुनिया मोड़, हम लोग असरगंज से रवाना हो गए हैं और लगातार 2 घंटा चलने के बाद अभी बस 3 किलोमीटर ही बाकी है और आप लोग देख सकते हो धूप कितना तेज है, बालू पूरा गर्म हो चुका है। लगातार जो है आप लोग किताब देख सकते हो, हम लोग अभी यहाँ पर है मनिया धर्मशाला, जो कि अजबुबीनाथ मतलब सुल्तानगंज से 31 किलोमीटर है। वो 31 किलोमीटर लगातार चलने के बाद और इतना कड़ा धूप में सबका हालत ख़राब हो चुका है, पोजीशन ठीक नहीं है इनका भी, मालिश कर रहा है और मेरा तो पूछिए मत। ये देख सकते हैं आप लोग, आज मैं 4 साल से आ रहा हूँ लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ये पोजीशन अभी 30 किलोमीटर चलने के बाद ही है और आप लोग देख सकते हो टोटल 106 किलोमीटर मतलब अभी भी 75 किलोमीटर हम लोग को जाना है। तो क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, फिर भी आशा उम्मीद रखे हुए हैं कि पैदल ही पहुंच जाएंगे बाबा की नगरी तक। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे हम लोग कुंवारसा धर्मशाला, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ पर हम लोग नाइट स्टे करेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग पैदल जाएंगे बाबा की नगरी की ओर। बाजू वाले भैया बम चाची बम बोल बम बोल बम जोर से बोलो बोल बम क्या बोलेंगे बोल बम कहाँ जाएंगे बोल बम बाबा का गैया दूर है जाना जरूर है। बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में, बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में, जो बाबा का भूलेगा पर हाथ भूलेगा, जो बाबा का भूलेगा पर हाथ भूलेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल कुंवारसा पहुंच गए हैं और यहीं पर नाइट स्टे करने का प्लान है, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। तो यहाँ पर जो हम लोग का मेंबर सब है वो खाना खा रहे हैं और ये हम लोग का रेस्ट रूम है, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और रेस्ट भी ले रहे हैं। यहाँ से हम लोग रात के 2 बजे निकलेंगे फिर, और आज जो मेनू बना है डिनर में रोटी चना दाल खीर और आलू भुजिया। तो डे 1 का वीडियो आप लोग पूरा देख चुके हैं और डे 2 में देवघर मंदिर वासुकीनाथ मंदिर से घर का जो मेरा टूर है वो तो पार्ट 2 देखने के लिए स्टे ट्यून कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको दिखाइए और भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बने रहे।